सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है? ठीक ठाक हो? और मैं हुण अमृतसर जा रहा सी, किसे अपने जिला प्रधान साहब रहे ने, उन्हां दे बेटी दी शादी है। लेकिन अज सारे पंजाब दे विच किसान आड़तिया ते किसान आड़तिया ते शैलर वाला धरने ला रहा है। सो वो धरने क्यों ला रहे हैं? तुसी सारे जानते हो कि परचेज नहीं हो रहा माल, और किसान मंडिया च रोल रहा है, और जेड़ा शैलर वाला है वो माल नहीं लवा के रहा जी। उरा कारण है, शैलर वाले साथी कहंदे ने कि भाई पिछले साल दा माल लाउण वास्ते चावल जेड़ा असी देना है सरकार नूं, उरे वास्ते हजे तक वो साडे कोले पिया है, ते अगली जगह असी चावल कित्थे लावांगे, और असी डिफॉल्टर हो जावांगे। मुख्यमंत्री साहब ने समय सिर ध्यान नहीं दिता सरकार ने, नहीं तो पहला यह 3 महीने ध्यान देना चाहिदा सी। जिहड़ा माल चावल पीड़ के लाया शैलर वाले ने, सरकारी एरिया स्पेशल्स लगदियां ते यह चला जांदा जिथे भी जाना है बाहरले स्टेशन ते, जिवें पहला जांदा है। हुण जिहड़े गडाउन आ भरे पए है चावल नाल, और राइस शैलर वालिआं नूं इह एग्रीमेंट ते झोना दिंदे है कि आ इन्ना थोड़े नाल एग्रीमेंट हो गया, लख गट्टा देता तुहानूं, और असी लख गट्टे की वापसी चौलां दे रूप दे विच लैणी है। हुण शैलर वाले कहिंदे कि तुसीं तां चौलां दे रूप च साथों लै लोंगे, पर असी देंगे कित्थे, क्योंकि अगे सानू जगह तां देवे स्पेस है नहीं। बीजेपी पार्टी जानबुझ के उन्होंने स्पेशलां नहीं लाईआं, वो जिमीदारां नूं निराश करना चाहुंदी है, पंजाब दे किसान नूं निराश करना चाहुंदी है कि हौली हौली वो झोना लाउण ना लाया करन, क्योंकि असी चावल नहीं चकने, असी कणक नहीं चकनी। इन्हां ने कोई उत्ता नहीं किया, मैं हमेशा कहना अनजान सरकार है, कोई उत्ता नहीं किया। दिल्ली जाके मुख्यमंत्री साहब मिलते, स्पेशल लवाउंदे, हजे भी जाना चाहिए। हुणे पिछे जे मुख्यमंत्री साहब की मीटिंग हुई सी शैलर वालिआं नाल, आड़तियां नाल, किसानां नाल, किसान की तो फसल चकनी चाहीदी है, इस तो मतलब कि हुण जिहड़ी फसल पाल ली है उहनूं चकेगा कौन? हुण उन्होंने हल कढ़िया सी एक भी विदाउट एग्रीमेंट शैलर वालिआं दे कोले थां तां हैगी अंदर झोना लाउण नूं। शैलर वाले ने कहा कि विदाउट एग्रीमेंट तुहाडी कस्टडी ते तुहाडा असी माल सांभ लैने आ, तुसीं किसान दा माल चक लो ते असीं आपदे शैलरां च उहनूं चंगे तरीके नाल सांभ लैने आ, ते जे तुसीं साडे वास्ते थां बनाती ते असीं तुहाडे नाल एग्रीमेंट करके उहनूं चावल दे रूप च वी तुहानूं दे देंगे, असीं इह दे देंगे, साडी कस्टडी च तुहाडा माल पिआ, जिहनूं मर्जी लै लो। सो तुहाडे कोल सीसीएल लिमिट हैगी है, और उहदे नाल तुसीं किसान दा माल चक के शैलरां दे विच रख दिओ, पूरी निगरानी च रख दिओ, और उदू बाद तुसीं स्पेस बनवा के ते जिहड़ा हैगा शैलर भी ठीक रहणगे ते किसान नूं भी किसे प्रकार की कोई दिक्कत। लेकिन इहदे ते कोई उत्ता नहीं किया जा रहा। अज इसे करके किसान आड़तिया ते शैलर वालिआं ने 12 बजे पूरे पंजाब विच धरने रखे हैं। सो मेरी बेनती है, असीं भी 4 दिन का अल्टीमेटम दिंदे हां पंजाब सरकार नूं कि अगर यह कोई हल नहीं होया तो फिर वड्डे पद्धर ते पंजाब कांग्रेस सारे थावां ते जिला स्तर ते धरने ला के, और फिर खुराक भवन दे चाहे बाहर लाउणा पवे, चाहे मुख्यमंत्री दा घरा हुण करना पवे, वह सारे जाने असीं कांग्रेस पार्टी दे लोग इह काम करांगे, क्योंकि किसान दा आड़तीए दा शैलर वाले दा कोई कसूर नहीं, सारे दा सारा कसूर हैगा इहदे विच दो पार्टियां दा। तुसीं इह कहोगे वारी वारी बीजेपी दा जां आम आदमी पार्टी दा नां लैंदे आ क्योंकि वह साडे खिलाफ है, नहीं, सानू इनकरेज किया जा रहा है, डिसकरेज किया जा रहा है कि भी निराश होण ते झोना ना लाउण। क्यों नहीं स्पेस बनाई भी सेंटर गवर्नमेंट ने? साडे मार्च तक शैलर वेले हो जांदे सी, हुण तक साडा माल नहीं लग्या, ते क्यों नहीं पंजाब सरकार ने उत्ता किया? पंजाब सरकार जल्द तो जल्द किसानां नूं वेला करे ते जिहड़ा मंडी च माल आ रहा वह चक के शैलर वालिआं दे विदाउट एग्रीमेंट ला देण, उत्थे पिआ उहनां दी आपदी कस्टडी ते आपदी निगरानी च रख लैण, ते जदों थां खाली हो जाएगी उदों उदों वह माल ला देणगे। बर्बाद तां होणा नहीं किसे व्यापारी ने, मरना तां है नहीं। नवें नवें कानून अफसर डरा रहे हैं कि जे शैलर ने ना लाया तो हुण डिफाल्टर कर देंगे। क्यों डिफाल्टर कर देंगे बई? मान लो किसी का कारोबार अज नहीं चलता, उन्हें बंद करता कि मेरे को पैसे है नहीं, पड़ता नहीं लगता, तुसी क्या उन्हें डिफॉल्टर कर दोगे?
ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਰਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।